अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं हूँ आपकी मरियम आपा और मैं हाजिर हूँ इल्म कांगन की एक नई किस्त के साथ। अब हम इंतज़ार किए बगैर जल्दी से बच्चों को शाबाशी देते हैं और जो हमें इस हफ्ते ढेर सारी ड्राइंग्स मिली हैं उनमें से कुछ प्यारी प्यारी ड्राइंग्स भी देख लेते हैं। इस हफ्ते बहुत से बच्चों ने हमें ड्राइंग्स के ज़रिए बताया है कि वो किस किस चीज़ के शुक्रगुजार हैं। जिन बच्चों की ड्राइंग्स हम टीवी पर दिखा रहे हैं उनके नाम हैं लुबैन साबिर, सारा, अनब डार, हनान सरोश और मरियम अहमद। शाबाश बच्चों, इसी तरह ड्राइंग्स बनाते रहिए। जिन बच्चों ने होमवर्क करके हमें अपने नाम भिजवाए हैं उनमें से कुछ बच्चों के नाम हैं आयशा नूर मोचीवाल से, ईमान अटक से, फातिमा अफजाल रहीम यार खान से, हाफिज़ मोहम्मद हसीब कोट मेकन से, इश्वा ज़ैनब सरगोदा से, उबैद अली अटक से और सीमा फातिमा कोट मेकन से। शाबाश बच्चों। ये ड्राइंग्स देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। बहुत अच्छी बनाई है बच्चों। जब मैं छोटी थी तो मुझे ड्राइंग्स बनाने का बहुत शौक था और मैं उनमें मुख्तलिफ रंग भर के सबको दिखाती थी। मुझे रंग भरने का इतना शौक था कि कुछ कलर पेंसिल्स जो मुझे एक दफ़ा मेरे मामू ने ला कर दी थी मैंने वो अभी तक संभाल के रखी हुई हैं। पता है क्यों? ये वैसे मैं बाद में बताती हूँ, पहले हम चल के वर्जिश कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं और खुश हैं और आज की वर्जिश के लिए तैयार हैं। मेरा नाम है मरियम और आज हम मिलके करने जा रहे हैं एक बहुत मजे की वर्जिश। मैं अपना टाइमर शुरू करूंगी अब और आपको पहली एक्सरसाइज आज के दिन की सिखाऊंगी, जिसका नाम है लेग सर्कल, मतलब आपने अपनी टांग से दायरा बनाना है। रेडी, लेट्स गो। पहली दाई टांग से हम अपना दायरा बनाएंगे। वेरी इजी, बहुत आसान है ये। आपने सिर्फ एक टांग आगे करनी है फिर उससे दायरा बनाना है, ठीक? सो दायरा बनाएं और वापस अंदर आ जाएं। कितना आसान और कितने मजे की वर्जिश है ये और बहुत फायदेमंद भी है। तो चले आराम आराम से आपने दायरे बनाने हैं, एक ही टांग से बार 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 और खत्म। अब हम आते हैं दूसरी वर्जिश की तरफ जिसको हम कहते हैं बर्पी। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, मेरे साथ करें। बाजू ऊपर, वापस नीचे, हाथ नीचे, एक टांग पीछे लेके जाएं, दूसरी टांग पीछे लेके जाएं। अब दोनों टांगे अंदर लेके आनी है और बाजू फिर से ऊपर लेके जाने हैं। नीचे, एक टांग पीछे, दूसरी टांग पीछे, एक टांग अंदर, दूसरी टांग अंदर, फिर बाजू ऊपर। एक और दफा करते हैं हम, और वापस अंदर, और दूसरी भी एक्सरसाइज हो गई, खत्म। अब तीसरी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। आपने अपने पांव खोलने हैं, फिंगर्स को, अपनी उंगलियों को यहाँ लेकर आना है और अब आपने अपने घुटने को टैप करना है और वापस ऊपर। घुटने के साथ बजाएं ताली और वापस ऊपर, एक साइड पर फिर दूसरी साइड पर। अपने कोनियों को उठा के रखना है और मुस्कुराना नहीं भूलना। चलें बच्चों, साइड टू साइड, दाईं तरफ और फिर बाईं तरफ। आज की एक्सरसाइज बहुत आसान है और हर बच्चा खूब जोश और जज्बे के साथ कर सकता है। चलें अब यही तीनों एक्सरसाइजेस हम एक बार फिर करते हैं। इस दफा हम बाएं टांग से बनाएंगे अपने दायरे। चलें, दायरा बनाएं और अंदर,
दायरा बनाए और अंदर कौन सबसे बड़ा दायरा बना सकता है। चलें अपने घर वालों के साथ मुकाबला लगाएं और देखें किसके दायरे सबसे गोल और सबसे बड़े बनते हैं। चलें, बहुत खूब, शाबाश बच्चों। मैं आपको साइड से भी दिखाती हूँ कि आपने दायरे किस तरह बनाने हैं। ऑलमोस्ट खत्म होने लगा है और खत्म। अब हम फिर से करेंगे बर्पी। सब बच्चों ने 4 से 5 बर्पीज करनी है मेरे साथ। चलें, बाजू ऊपर, नीचे, दोनों हाथ नीचे, दोनों टांगे एक एक करके पीछे लेके जाना है और फिर दोनों टांगों को अंदर लेके आना है। बाजू ऊपर, नीचे, पीछे और अंदर। मेरे से तेज कर सकते हैं? छलांग मार के कर सकते हैं तो छलांग भी आप मार सकते हैं। ऊपर की तरफ एक और दफा करते हैं, छलांग मार के पीछे, छलांग मार के अंदर और वापस ऊपर। चलें, अब आखिरी एक्सरसाइज पर आते हैं। अपनी टांगे आपने खोलनी है, उंगलियों को ऊपर रखना है और देखें कि आप अपना हाथ कितना नीचे लेके जा सकते हैं। बच्चों, आप जमीन तक लेके जा सकते हैं अपना हाथ? कौन बच्चा मुझे पूरा जमीन तक हाथ लेके जाके दिखाएगा? लेकिन आप देखें, आपने टांगे इसी तरह रखनी है। 1 up 2 up, 1 वापस 2 वापस। गुड जॉब, बहुत खूब, एक और दफा और खत्म। चले बच्चों, अब हम आते हैं अपनी स्ट्रेचिंग की तरफ। पांव अपने जोड़ के खड़े होना है और अब हमने अपनी गर्दन से दायरे बनाने हैं। एक तरफ बनाए गोल दायरा और सांस लीजिए और फिर अब इस तरफ को दायरा बनाए और सांस आपने किस तरह लेनी है आपको पता है, नाक से अंदर और मुंह से बाहर, अंदर की तरफ और मुंह से बाहर की तरफ। शाबाश, और हो गया खत्म। अब एक और हम स्ट्रेचिंग करते हैं और ये सांस लेने की एक्सरसाइज है, मेरे साथ करना है आपने। रेडी है? चलें, नीचे जाइए, सांस अंदर की तरफ खींचे, लेते जाइए अंदर की तरफ, लेते जाइए और अब बाहर आपने मुंह से सांस निकालनी है। एक बार फिर से अंदर की तरफ, फेफड़े अपने भरने हैं आपने और सांस अंदर लेते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए और अब सांस बाहर की तरफ निकालें। एक और दफा अंदर और बाहर। बहुत खूब, अपने लिए बजाएं तालियां। आज सब बच्चों ने बहुत अच्छी वर्जिश की। उम्मीद है कि अब आप चुस्त हो गए हैं और तवाना हो गए हैं और अपने दिन के आगाज के लिए तैयार हो गए हैं। मैं आपसे मिलूंगी अगली किस्त में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। कर ली वर्जिश? शाबाश। अब जो उससे पहले मैं बात कर रही थी कि मैंने अपनी पुरानी कलर पेंसिल्स का डब्बा अभी तक संभाल के रखा हुआ है, वो इसलिए है क्योंकि मुझे उससे लगाव है और इसलिए भी क्योंकि कभी कभी पुरानी चीज़ें संभाल के रखने का फ़ायदा भी होता है। हम उनको और तरीक़ों से इस्तेमाल भी कर सकते हैं और पुरानी चीज़ें कई बार बहुत काम आती हैं। आज हम कहानी आंटी से भी एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसमें एक पुरानी चीज़ की बात हो रही है, तो चलिए देखते हैं ये कौन सी कहानी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज? सब ठीक ठाक? बहुत अच्छी बात है। आ जाओ भाई, आ जाओ, कहानी का वक्त हो गया, सुनो कहानी कहानी आंटी से। और आज की कहानी कुछ ऐसी है कि बस क्या बताऊँ, ऐसा वक्त एक मुझ पर भी गुजरा है, आप समझ जाएंगे। इस कहानी के मुसन्निफीन हैं ज़ोया ढाकम और ज़हरा नासिर और मुसव्विरा हैं नेहा करीम। अब्बू की प्यारी पुरानी गाड़ी, समझ गए ना? अब्बू जान के पास एक गाड़ी थी जो उनको बेहद प्यारी थी। ये उनके पास 15 सालों से थी
और अब तो इसका बुरा हाल हो गया था। रंग से ज्यादा जंग नजर आता था और इंजन चलाने पर इतनी फट फट खट खट कि सभी इससे तंग आ गए थे। सब अब उसे जिद करते थे, अब तो नई गाड़ी ले लें, इसका तो कभी टायर पंक्चर हो जाता है तो कभी हॉर्न खराब। लेकिन वो तो किसी की ना सुनते। इस गाड़ी ने 15 साल मेरा साथ दिया है, चाहे बारिश हो या सर्दी, खुशी हो या गम, हमने साथ साथ पूरा शहर घूमा है, मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब्बू से बहस तो कोई ना कर सका, लेकिन शिकायतें भी खत्म नहीं हुई। मैं इसमें बैठकर काम पर हरगिज नहीं जाऊंगी, अम्मी ने कहा। मैं भी इसमें हरगिज स्कूल नहीं जाऊंगी, समन बोली। फिर एक दिन अचानक दादी जान की तबीयत बहुत खराब हो गई। इनको तो जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा, कोई ट्रांसपोर्ट ढूंढो। लेकिन सड़क बिल्कुल खाली पड़ी थी। आज शहर में गैस की कमी है, किसी ने आगाह किया, इसलिए कोई रिक्शा टैक्सी नहीं चल रहा। हमें एम्बुलेंस भेज दें, अम्मी ने अस्पताल फोन किया। शहर की दूसरी तरफ कोई हादसा हो गया है, अभी सारी एम्बुलेंस वहां मसरूफ हैं। अब हम क्या करें? उसी वक्त अब्बू घर पहुंचे। अरे अब्बू की गाड़ी! पैर दिखाया पुरानी गाड़ी ने अपना कमाल, फट फट ठक ठक तो की, लेकिन पूरा रास्ता बहुत आराम से पार कर लिया और दादी को अस्पताल पहुंचा दिया। दादी का इलाज भी हो गया और सबकी परेशानी भी दूर हो गई। इस तरह सबको एहसास हो गया कि जो पुराना होता है वही खजाना होता है। क्या ख्याल है? देखा बच्चों, जिस गाड़ी का सब मजाक उड़ा रहे थे, आखिर मुश्किल वक्त में वही गाड़ी काम आई ना। यही फायदा होता है कुछ पुरानी चीजों का, इसीलिए मैं भी अपनी कई पुरानी चीजें संभाल कर रखती हूँ। वैसे आपको पता है कि जब चीज़ें पुरानी हो जाएं तो लोगों को उनसे ज़्यादा लगाव हो जाता है। आपको भी अपनी किसी चीज़ से बहुत लगाव है? आप ऐसा करिए कि आज ड्राइंग्स के होमवर्क में हमें उस चीज़ की ड्राइंग बनाकर भेजें जो आपके पास सबसे पुरानी है और आपको जिससे सबसे ज़्यादा लगाव है। वो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कोई खिलौना हो या कोई किताब हो या कोई कुर्सी हो या बचपन का फीडर हो, लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो आपके पास पुरानी पड़ी हो और आपको उससे लगाव हो, आपने हमें वो बना कर भेजनी है। ड्राइंग्स भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0301-119-2319। दोहरा रही हूँ, 0301-119-2319। इस नंबर पे आप बच्चे हमें ड्राइंग्स बनाकर व्हाट्सएप कर दीजिए। होमवर्क के लिए नाम एसएमएस करने का जो नंबर है वो है 0300-060-2240। होमवर्क करके हमें अपने नाम एसएमएस करने का नंबर दोहरा रही हूँ, 0300-060-2240। नाम एसएमएस करते हुए शुरू में लिखिए ILM इल्म, बच्चे का नाम, शहर और उम्र। आपको पता है मैंने अपने बचपन के एक फीडर में पानी डालकर अब उसमें फूल रखे हुए हैं तो वो गुलदान बन गया। इसी तरह पुरानी चीज़ों का बहुत कुछ किया जा सकता है, एक नहीं उनके बहुत सारे यूजेस होते हैं। यूजेस समझते हैं आप? यूजेस यानी यूज़ की जमा। अगर एक इस्तेमाल होगा तो इंग्लिश में यूज़ होगा और अगर उसके कई इस्तेमाल होंगे तो यूजेस होंगे, क्योंकि यूज़ का प्लूरल है यूजेस। तो चलिए हम इंग्लिश में आज प्लूरल्स पढ़ लेते हैं।
ये कहानी है दो किंग्स की। एक था किंग सलमान और दूसरा था किंग पहलवान। दोनों ही बहुत मालदार थे और दोनों के पास एक खास जादुई ताकत भी थी। आप कौन सा किंग बनना चाहते हैं? अपने पसंदीदा किंग को चूज करें। किंग सलमान की जादुई ताकत ये थी कि वह जो भी मुंह से निकालता वो उसके सामने आ जाता था। डॉग, शीप, हॉर्स, डॉग। एक दिन किंग सलमान बैठा था कि उसको एक पैगाम आया। अखबार खोल के देखी तो पहले सफे पर किंग पहलवान की खबर थी। किंग ऑफ मोर देन वन। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या कोई और भी किंग है जिसके पास किंग सलमान जैसी जादुई ताकत है? किंग पहलवान की जादुई ताकत ये थी कि वो जो भी मुंह से निकालता था वो चीज उसके सामने दुगनी मकदार में आ जाती थी, यानी कि एक से ज्यादा। डॉग्स। Pandas, chickens, horses, stoves, tables, tents. Scooters, aeroplanes. एक दिन किंग पहलवान बैठा था कि उसको एक पैगाम मिला। अखबार खोल के देखी तो पहले सफे पर किंग सलमान की खबर थी। किंग ऑफ वन। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या कोई और भी किंग है जिसके पास किंग पहलवान जैसी जादुई ताकत है? दोनों किंग एक दूसरे से मिलने पहुंच गए। किंग पहलवान किंग सलमान पे हंसने लगा। तुम्हारी ताकत तो मेरी ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। आओ मैं तुम्हें इसका राज बताता हूँ। मैं हर लफ्ज को बोलने से पहले उसके आगे एस लगा देता हूँ, जैसे के कैट। इसके आगे एस लगाया तो बन गया कैट्स, यानी एक से ज्यादा। डॉग, डॉग्स। Pots. ये सुन के किंग सलमान तो सोच में ही पड़ गया। सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स वन, यानी एक चीज। किंग सलमान हमेशा सिंगुलर चीजें बोलता था, इसलिए उसके पास सिर्फ एक चीज आती थी। प्लूरल्स, प्लूरल्स मीन्स मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा। और किंग पहलवान हमेशा प्लूरल्स बोलता था, इसलिए उसके पास एक से ज्यादा चीजें आती थी। चले अब हम मिलके एक गेम खेलते हैं। आपके सामने एक सिंगुलर वर्ड आएगा। इसको प्लूरल बनाने के लिए आपने इस एस को दबाना है और इस तरह ये बन जाएगा प्लूरल। जैसे पेन से पेंस। अरे भाई साहब, मैं आपको एक खास रूल बताता हूँ। जब भी कोई ऐसा लफ्ज आए जिसकी एंड पेश आता हो तो उसके आगे हमेशा ईएस लगता है। बुश इज, पुश इज।
अरे भाई रुको रुको तो सही। एप्पल एप्पल्स बलून बलून्स बुक बुक्स बल्ब बल्ब्स बुश बुशेस कार cars chick chicks flag flags hen hens stars tree trees अभी प्ले स्टोर से तालीम अबाद डाउनलोड करें। अरे वाह, हमने तो आज प्लूरल्स भी सीख लिए, लेकिन यही नहीं, अभी हमने और भी बहुत कुछ करना है। आपको याद है कि हमने कुछ पिछली किस्तों में लंबाई नापना सीखी थी यानी लेंथ, और हमने वज़न करना भी सीखा था यानी मास निकालना भी सीखा था। तो आज हम रियाजी में वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारा दोस्त शीबा क्या कर रहा है और वो जो भी कर रहा है उससे हम वॉल्यूम निकालना कैसे सीखेंगे। शीबा के नहाने का वक्त हो गया है। शैम्पू लगा के वो नहाने के लिए तैयार होता है कि देखता है शावर में एक कतरा पानी तक नहीं आ रहा। शीबा को याद आता है कि आज पानी भरने की जिम्मेदारी उसकी थी। भागते हुए वो पानी की टैंकी के पास पहुंचता है तो टैंकी सूखी पड़ी हुई थी। अब कुछ नहीं कर सकता था शीबा सिवाय गोपी से मदद मांगने के। गोपी, पानी खत्म हो गया है, मैं क्या करूं? अरे शीबा, रोते क्यों हो? रात को इतनी बारिश हुई थी, पार आओ, इतना पानी पड़ा हुआ है। शीबा अपनी टैंकी समेत पार्क पहुंचता है। शीबा, ये देखो, इतना सारा पानी पड़ा हुआ है, ये तो टंकी भर देगा। पक्की बात है? हाँ, चलो इसको हम स्केल से नाप लेते हैं। देखा शीबा, ये तो मीटर स्केल से भी बड़ा है। कुछ देर बाद शीबा और गोपी सारा पानी टंकी में डालते हैं, लेकिन टंकी मुश्किलों से सिर्फ आधी होती है। दोनों सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, पानी की लंबाई तो बहुत ज्यादा लग रही थी। फिर गोपी को 50 लीटर लिखा हुआ नजर आता है। अरे ये देखो, मेरे पास मैयरिंग कप है, इसके ऊपर 10 लीटर लिखा हुआ है, शायद इससे हम पानी को नाप सकें। कोई भी माया कितनी जगह लेता है इसको कहते हैं उस माया का वॉल्यूम। वॉल्यूम मापने के लिए मियारी इकाई लीटर या मिलीलीटर इस्तेमाल होता है। स्टैंडर्ड यूनिट्स यानी लीटर और मिलीलीटर, इनको हम एल और एम एल भी लिखते हैं। ये है एक मेजरिंग कप, इससे हम किसी भी माया का वॉल्यूम जान सकते हैं।
इसमें हम पानी डालते हैं और देखते हैं किस निशान तक पानी डाला है। ये 1 लीटर तक पानी डाला है, तो इस मेजरिंग कप में 1 लीटर पानी है। शीबा और गोपी के पास 10 लीटर वाला मेजरिंग कप है, यानी अगर इसको पूरा भर दें तो इसमें 10 लीटर पानी आएगा। टैंकी में पूरे 50 लीटर करने के लिए शीबा और गोपी को 30 लीटर और पानी चाहिए। तो एक जगह से 10 लीटर पानी लेते हैं, फिर एक और जगह से 10 लीटर और आखिर में एक और जगह से 10 लीटर। इस तरह टैंकी में पूरे 50 लीटर पानी आ गया। आखिरकार शीबा की टैंकी भर गई पानी से। चलो चलो शीबा, पानी भर गया है, अब जाके नहा भी लो। पर ये क्या, भरी हुई टैंकी को जोर से धक्के लगाने की कोशिश में सारा पानी गिर गया। अभी प्ले स्टोर से ताली महबार डाउनलोड करें। ये शीबा भी ना, मुझे लगता है कि ये काम ध्यान से नहीं करता, या हो सकता है कि वो डर जाता हो कि शायद मैं काम करूँगा तो गलत हो जाएगा, और वो इतना डर जाता हो कि फिर वो सही से सोच ही ना सकता हो कि उसको क्या करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतने डर जाते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हम क्या करें, और फिर हमें लगता है कि हम ये काम कर ही नहीं सकते। लेकिन मुझे लगता है कि ये सच नहीं है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं शीबा को समझा देती हूँ कि वो तो बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है, वो ये सब काम कर सकता है। मुझे वैसे आपके बारे में भी बहुत सारी बातें पता चली हैं। वो किसने बताई हैं ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन वो बातें बहुत अच्छी हैं। मैं चाहती हूँ कि आप वो बातें मेरे साथ अपने लिए दोहराएं। तो स्क्रीन पर देखते हैं कि वो बातें क्या हैं, और जब मैं कहूँगी तो उसके बाद आप भी वही जुमले ज़रूर दोहराइएगा। मेरा दिल बहुत बड़ा है। मेरे पीछे दोहराइए। अब कहिए, मुझे बहुत से लोग प्यार करते हैं। मैं ज़हीन हूँ। शाबाश। और आखिरी, मैं मजबूत हूँ। ये सब बातें सच है ना? मुझे पता है कि सच है। आपके नेबर्स को भी पता है कि ये सच है। नेबर्स क्या होते हैं? नेबर्स जो हमारे घर के आसपास रहते हैं। चलिए वो आप छोड़े, मैं आपको दिखा ही देती हूँ कि नेबर्स क्या होते हैं, और आज हम नेबर्स के बारे में और सीख भी लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे नेबर्स, यानी पड़ोसियों के बारे में। तालीमाबाद में आज बहुत खुशगवार दिन था। मौसम से लुत्फ अंदोज होने सब बच्चे पार्क में खेलने आए हुए थे। पिंकी और बंटी भी पार्क में बैठे बातें कर रहे थे। नेबर्स, पीपल हु लिव अराउंड अस। पड़ोसी यानी वो लोग जो हमारे आसपास रहते हैं। इतने दिन हो गए हैं चिंटू और रानी से मुलाकात ही नहीं हुई। हाँ, मैंने भी उन दोनों को काफी टाइम से नहीं देखा। चलो उनसे मिलने हम उनके घर चलते हैं। पिंकी और बंटी जब चिंटू और रानी से मिलने उनके घर जा रहे होते हैं, तो वो रास्ते में क्या देखते हैं? चिंटू भारी भरकम सामान उठाए ट्रक के पास जा रहा था। चिंटू, तुम यहाँ क्या काम कर रहे हो? मैं यहाँ अब्बू की हेल्प करता हूँ ताकि घर पे पैसे ले जा सकूँ। रानी की तबीयत एक हफ्ते से बहुत खराब है,
और घर में दवाई के पैसे बिल्कुल भी नहीं है। पिंकी और बंटी को ये सुन के बहुत अफसोस हुआ। चिंटू उनका पड़ोसी था और उन दोनों को उसके हालात का अंदाजा ही नहीं हुआ। चिंटू, हम भी तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं, मगर कैसे? आइडिया, क्यों ना हम पुरानी रद्दी जमा करके कागज की बैग बनाए और उनको पार्क में बेचे। बंटी और चिंटू को पिंकी की ये तजवीज बहुत पसंद आई। हमें मुश्किल वक्त में पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। We should help our neighbors in trouble. अगले दिन उन्होंने रद्दी जमा करके कागज के बैग्स बनाए और उनको पार्क में बेचा। शाम तक सारे बैग्स बिक गए, पर जब उन्होंने पैसे गिने तो उन्हें पता चला कि दवाई के लिए कुछ पैसे कम पड़ गए हैं। ये तो दवाई के पैसे कम पड़ गए हैं, अब हम क्या करेंगे? आइडिया, क्यों ना हम चिप्स बनाकर मार्केट में बेचें और बचे हुई रद्दी के ईद कार्ड्स बनाकर मोहल्ले की मस्जिद के बाहर बेचें। पिंकी और चिंटू को पंडी की ये तजवीज बहुत पसंद आई। अगले दिन उन्होंने चिप्स बनाकर मार्केट के बाहर बेचे और ईद कार्ड्स बनाकर मोहल्ले की मस्जिद के बाहर बेचे। हमारे नेबरहुड यानी मोहल्ले में जो जगहें आती हैं वो है मॉस्क यानी के मस्जिद, शॉप यानी के दुकान और पार्क यानी के मैदान। शुक्रिया दोस्तों, तुम लोगों ने मेरी मुश्किल वक्त में बहुत हेल्प की है। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, हम आपस में पड़ोसी हैं और हमारा फर्ज है मुश्किल में एक दूसरे के काम आए। चलो अब जल्दी से दवाई लेके हम रानी की बीमारदारी के लिए चलते हैं। अगर हमारे पड़ोसी बीमार हो तो हमें उनकी तीमारदारी करनी चाहिए। विजिट योर नेबर्स व्हेन दे आर सिक। उसके बाद उन्होंने दवाई ली और रानी के घर उसकी तीमारदारी के लिए गए। चिंटू और रानी की अम्मी ने पिंकी और बंटी का बहुत शुक्रिया अदा किया और उन दोनों को ढेरों दुआएं दी। अभी प्ले स्टोर से ताली मेहबान डाउनलोड करें। शाबाश, तो अब आपको पता है कि नेबर्स कौन होते हैं। आपके कई नेबर्स होंगे, है ना? तो अब जो प्रोग्राम का अगला हिस्सा है, आप वो अपने नेबर्स के साथ भी मिलकर कर सकते हैं और उस हिस्से में हम आज कुछ नया बनाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या बनाएंगे और क्या सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कभी आपका दिल चाहता है कि आप अपनी किसी यादगार तस्वीर को फ्रेम में लगाएं? आज हम घर में मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए एक फ़ोटो फ्रेम बनाना सीखेंगे। फ़ोटो फ्रेम बनाने के लिए आपको स्क्रीन पर दिखाए जाने वाली चीज़ों की ज़रूरत होगी। पुराना गत्ते का डब्बा, स्ट्रॉज, तस्वीर, मार्कर और स्केल, ग्लू और कैंची। तो चलिए साथ मिलकर एक फोटो फ्रेम बनाते हैं। सबसे पहले घर में कोई पुराना गत्ते का डब्बा ढूंढिए और किसी बड़े की मदद से उसको रेक्टेंगल शेप में काट लें इस तरह। अब जो तस्वीर आपको फ्रेम में लगानी है उसे इस गत्ते के टुकड़े के ऊपर रखें और ग्लू की मदद से चिपका दें। अब तस्वीर के गिर्द खाली जगह छोड़ के मार्कर और स्केल से एक लाइन बनाएं और गत्ते के बकिया हिस्से को कैंची से काट लें इस तरह।
तस्वीर के गिर्द जो जगह छोड़ी है उस पे ग्लू लगाइए और स्ट्रॉस को एक एक करके चिपकाना शुरू करें। बच्चों, तस्वीर के चारों तरफ स्ट्रॉस चिपकाइएगा। अब हम फ्रेम को खड़ा करने के लिए उसका स्टैंड बनाएंगे। जो गत्ते का टुकड़ा बच गया था उसे अपने सामने रखिए। स्केल और मार्कर से लंबान में लाइंस बनाएं ताकि एक रेक्टेंगल शेप बन जाए, इस तरह। अब जो लाइन से ये शेप बनी है इसे काट लें। अब हम फ्रेम के पीछे वाली साइड पे ये कटा हुआ रेक्टेंगल चिपकाएंगे ताकि ये फ्रेम खड़ा हो जाए। अच्छे से ग्लू लगाइएगा ताकि गत्ते के ये दोनों टुकड़े अच्छे से चिपक जाएं और फ्रेम खड़ा हो जाए। अब हमारा फोटो फ्रेम तैयार है। बच्चों, आप अपनी किसी भी यादगार तस्वीर को फ्रेम में लगा के घर में कहीं भी सजा सकते हैं। ये बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। हमने तो आज बहुत कुछ सीख लिया है। चलिए मेरे साथ दोहरा लीजिए कि आज हमने क्या कुछ पढ़ा है। आज हमने वर्जिश की, पुरानी चीजों की अहमियत को समझा। इंग्लिश में आज हमने प्लूरल वर्ड सीखे। रियाजी में वॉल्यूम नापना सीखा। अपनी खसूसियात समझी। नेबर्स का ख्याल रखने की जिम्मेदारी को समझा। और आर्ट्स में पुरानी चीज़ों की मदद से एक फ्रेम बनाना सीखा। आज के होमवर्क का पहला हिस्सा ये है कि आपने स्क्रीन पर दिए गए टेबल को प्लूरल वर्ड्स की मदद से मुकम्मल करना है। ये वर्ड्स हैं बुक, कार, बुश, डिश, चेयर और डोर। होमवर्क का दूसरा हिस्सा ये है कि आपने एक मैथ्स का सम करना है। ये सम वॉल्यूम का है। तो मसला कुछ ये है कि सारा के घर की टैंकी 35 यानी 35 लीटर्स की है, जो कि खाली हो चुकी है। इसके पास एक 10 यानी 10 लीटर्स का जग मौजूद है और एक 5 यानी 5 लीटर्स का जग मौजूद है। टैंकी भरने के लिए उसको ये दोनों जग कितनी बार भर के डालने होंगे, सोचिए और ये हल करने की कोशिश कीजिए। ड्राइंग्स भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0301-119-2319। दोहरा रही हूँ, 0301-119-2319। इस नंबर पे आप बच्चे हमें ड्राइंग्स बनाकर व्हाट्सएप कर दीजिए। होमवर्क के लिए नाम एसएमएस करने का जो नंबर है वो है 0300-060-2240। होमवर्क करके हमें अपने नाम एसएमएस करने का नंबर दोहरा रही हूँ, 0300-060-2240। नाम एसएमएस करते हुए शुरू में लिखिए ILM इल्म, बच्चे का नाम, शहर और उम्र। तो बच्चों, अब मैं इजाजत चाहती हूँ। मैं आपसे मिलूंगी अगले बार। अपना ख्याल रखिएगा और होमवर्क करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।